हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग एनसीईआरटी व्याख्यान का ऑप्टिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका सेवेंथ लेक्चर देखेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और अगर वो मोशन करने लगे या मिरर मोशन करने लगे या दोनों मोशन करने लगे ऑब्जेक्ट और मिरर, तो जो इमेज है उसकी क्या स्पीड होगी, ऑब्जेक्ट को क्या दिखाई देगी, रियल में क्या स्पीड होगी, ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले मान लीजिए हम लोग कोई मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को मोशन करना है। कोई मिरर ले लेते हैं, ये कोई मिरर है और इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए मोशन करना है। जब मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो सबसे पहले हम लोग, ये केस वन हम लोग इसको कहते हैं, ये मान लीजिए केस वन है, केस वन, और इसमें मिरर रेस्ट में है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। और ऑब्जेक्ट की स्पीड हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है ये हमने मिरर पे एक परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल बना लिया, ये मिरर पे एक नॉर्मल लाइन हो गई इस तरह से। अब ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए वो किसी स्पीड V1 से या V0 से VO से मूव कर रहा है मिरर के सामने। जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और इसकी स्पीड मिरर के परपेंडिकुलर, ये देखिए ये जो स्पीड है VO ये मिरर के परपेंडिकुलर है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड मिरर के परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है ये मिरर के नॉर्मल लाइन है। जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है ये वाली, ये नॉर्मल लाइन है। और मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो मिरर के परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये हम सब लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर से एक्स डिस्टेंस पे रखा है तो उसकी इमेज भी मिरर से एग्जैक्टली एक्स डिस्टेंस पे बनेगी यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ कहीं इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी। तो ये इमेज को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। तो मान लीजिए इमेज की यहाँ कहीं ये ऑब्जेक्ट की इमेज होगी, ये आई, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा और ये इमेज हो गई। अच्छा, अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के करीब आ रहा है, पास आ रहा है। तो आपको मालूम है क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से जितनी है इमेज हमेशा उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जाएगा तो इमेज को भी मिरर के पास आना पड़ेगा, तभी ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर से डिस्टेंस सेम रहेगी और पास आएगा। अच्छा, जितनी तेज ऑब्जेक्ट चलेगा उतनी ही तेज इमेज को चलना पड़ेगा, तभी तो सेम डिस्टेंस पे रह पाएगी। ऑब्जेक्ट अगर एक्स डिस्टेंस पे है तो इमेज भी एक्स डिस्टेंस पे है। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लो 1 सेकेंड बाद वाई हो गई मिरर से, तो इमेज की डिस्टेंस भी 1 सेकेंड बाद वाई ही होनी चाहिए, तभी तो ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर डिस्टेंस पे होंगे। और हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर से सेम डिस्टेंस पे तभी रहेंगे जब ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड सेम होगी। तो यानी ऑब्जेक्ट अगर वीओ स्पीड से जा रहा है तो इमेज भी एग्जैक्टली वीओ स्पीड से चलेगी और दोनों मिरर की तरफ जाएंगे। तो यानी यहां हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड मिरर के परपेंडिकुलर है तो इमेज की स्पीड मिरर के स्पीड के इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हम यहां लिख लेते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट स्पीड इज परपेंडिकुलर टू मिरर देन इमेज स्पीड विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्पीड, इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्पीड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी हम यहां कहना चाहें तो हम कह सकते हैं जो इमेज की स्पीड है वी आई, इसको हम लोग वी आई लिख लेते हैं बेसिकली। ये जो हम लोगों ने इमेज की स्पीड को वीओ लिख दिया है उसको वी आई लिख लेते हैं। ये बेसिकली हमारा वी आई है। अब वी आई की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड के बराबर है, तो यानी ये जो वी आई है हमारा ये वीओ के बराबर है, दिस इज इक्वल टू वीओ। तो ऐसे लिख लेते हैं, इससे हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो जो वी आई है वो वीओ के इक्वल है, तो इसको लिख लेते हैं।
ये वी आई है स्पीड ऑफ इमेज, वी आई फॉर इमेज, और ये ऑब्जेक्ट के स्पीड के इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट है। तो यानी इसको ऐसे याद कर लेंगे कि जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर चलेगा तो इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड के बराबर होगी, डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो जैसे दिख रहा है डायग्राम में, तो ये पहला केस हो गया। अब सेकेंड केस मान लीजिए, ऐसा लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पैरेलल चल रहा है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर, ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर, यानी ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर मूव कर रहा है। तो अब इसका भी एक बार डायग्राम देख लेते हैं और इसमें भी एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये मिरर है इस तरह से, और इस बार जो ये मिरर के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं ये, और इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है। तो यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अगर यहां रखा है इस तरह से एक्स डिस्टेंस पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इधर एक्स डिस्टेंस पर हमारी इमेज बनेगी। अच्छा, इस बार ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है, मतलब इस बार ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, मिरर के पैरेलल इस तरफ को मूव कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई वी ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा इमेज भी ऊपर जाएगी, क्योंकि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने रहेगी। तो जब इमेज को हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने रहना है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा इमेज भी उसके ऊपर की तरफ चलती जाएगी। मतलब ये बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट किसी वक्त यहां आ गया यहां पर, तो इमेज इसके सामने एग्जैक्टली यहां पर हो। ऑब्जेक्ट जब यहां होगा तो इमेज इसके सामने एग्जैक्टली यहां पर हो। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा इमेज भी उसकी ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी। और हमेशा चूंकि इमेज को ऑब्जेक्ट के सामने रहना है, तो इसलिए जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट चलेगा उतनी डिस्टेंस इमेज चलेगी। जो स्पीड ऑब्जेक्ट की होगी वही स्पीड इमेज की होगी, तभी इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने रहेगी। तो यहां भी सिंपल बात हम कह सकते हैं कि इमेज की जो स्पीड होगी यहां भी वो ऑब्जेक्ट की स्पीड के बराबर होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। भाई डायरेक्शन आप समझ ही सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा इमेज नीचे जाएगी, तो कैसे आमने सामने रहेंगे। तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगी उसकी स्पीड और ऑब्जेक्ट की स्पीड दोनों सेम होंगे और डायरेक्शन भी दोनों सेम होंगे। तो ये छोटी सी बात है, सिंपल सी, तो इसको भी लिख लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव करता है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर, देन इमेज स्पीड विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्पीड, इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। तो ये दो बातें हम लोगों ने सीखी कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो इमेज की स्पीड तब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगी। और अगर पैरेलल मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड के इक्वल होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। तो ये दो केसेस हो गए। अब केस थ्री देखते हैं। मान लीजिए हम लोग केस थ्री में हम लोग मान लेते हैं कि मिरर मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड मिरर इज मूविंग, मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है लेकिन मिरर में मोशन हो रहा है, मिरर इज मूविंग। और अब हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि क्या कंडीशन होगी या किस कंडीशन में इमेज होगी और इमेज कैसे मूव करेगी, मूव करेगी कि नहीं करेगी और क्या उसका डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, ये सब निकालना है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है लेकिन मिरर मूव कर रहा है। अच्छा, इस केस में हम डायरेक्टली कुछ पता नहीं लगा सकते, तो हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया इस तरीके से ये। अब इसमें इस डायग्राम में देखिए, ये मिरर के परपेंडिकुलर लाइन ले ली हम लोगों इस तरह से, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा था और मिरर किसी स्पीड vm से मूव कर रहा है। अब मिरर की स्पीड हम कुछ भी ले सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो मान लीजिए मिरर जो है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है इस तरह से, अपने लेंथ के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट अभी यहाँ रखा था x डिस्टेंस में। अब मान लीजिए, अब आपसे कहा जा रहा है इमेज की स्पीड क्या होगी वो बताइए।
तो ये पता है आपको कि जब ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पर है तो इस वक्त जो इमेज बनेगी वो भी एक्स डिस्टेंस पर यानी यहां कहीं बनेगी इस वक्त, ये इमेज की इनिशियल पोजीशन है। अब जब मिरर मूव करेगा तो मिरर की लोकेशन लगातार चेंज होती जाएगी, तो अब 1 सेकेंड बाद हम पता लगा लेते हैं मिरर कहाँ होगा। जैसे ये 0 टाइम का फिगर है। अच्छा, ये आपको आपके सामने लिखा है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। इमेज स्पीड इज सिंपली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इमेज इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इमेज जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वही इमेज की स्पीड कहलाएगी। अब 1 सेकेंड में इमेज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं 1 सेकेंड बाद मिरर यहां आ गया। 1 सेकेंड में मिरर कितना चलेगा वो पता लगाएं। तो जैसे 1 सेकेंड बाद मिरर यहां आ गया। अब अगर मिरर की डिसलोकेशन ये हो गई तो यहां पर टाइम हम लोगों ने ले लिया 1 सेकेंड। अब मिरर की स्पीड हमें दिख रही है वीएम थी, तो 1 सेकेंड में मिरर कितना ट्रेवल करेगा वो हमें मालूम हो जाएगा। वीएम मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड है तो 1 सेकेंड में वीएम ट्रेवल करेगा, तो यानी मिरर ने 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो हो जाएगी वीएम। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये वीएम, ये कैसे वीएम हुई भाई? जैसे मान लीजिए मिरर की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो अगर आपसे पूछा जाए मिरर 1 सेकेंड में कितना चलेगा तो 5 मीटर। वैसे वीएम मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो मिरर 1 सेकेंड में कितना चलेगा वीएम, तो मिरर 1 सेकेंड में वीएम आगे बढ़ गया। ये मिरर की इनिशियल पोजीशन थी पहली, और ये मिरर की दूसरी पोजीशन है 1 सेकेंड बाद की पोजीशन। अच्छा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहा, तो जब मिरर वीएम चला गया आगे तो अब जो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस हो गई वो बदल गई। पहले एक्स डिस्टेंस थी मिरर की पुरानी पोजीशन के हिसाब से, डायग्राम में दिख रहा है कि पहले मिरर की पुरानी पोजीशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से एक्स थी, और अब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से होगी वो ये वाली हो जाएगी और वो बढ़ जाएगी। अब नेचुरली मिरर दूर चला गया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ये डिस्टेंस अब हो जाएगी मान लीजिए दिख रहा है डायग्राम में एक्स प्लस वीएम। अच्छा, वो तरीका तब भी लगेगा कि मिरर, अब जो नई पोजीशन मिरर की है 2 वाली पोजीशन, इस पोजीशन से ऑब्जेक्ट एक्स प्लस वीएम डिस्टेंस पर है तो इमेज भी कितने डिस्टेंस बनेगी, एक्स प्लस वीएम। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पे सामने इमेज बनेगी, तो अब इमेज की डिस्टेंस भी होगी एक्स प्लस वीएम। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये एक्स प्लस वी एम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तो अब नई पोजीशन इमेज की क्या होगी, तो यहां से ये मान लीजिए ये इमेज की नई पोजीशन हो गई आई डैश, न्यू पोजीशन ऑफ इमेज, और इसकी मिरर से डिस्टेंस हो जाएगी एक्स प्लस वी एम। इस बार मिरर जो है उसकी पोजीशन बदल गई है, पहले 1 पोजीशन पे था अब 2 पोजीशन पे आया। तो पहले आप डायग्राम में देखिए तो जो ऑब्जेक्ट था वो पोजीशन मिरर की पोजीशन 1 से x डिस्टेंस पे था, तो इमेज भी पोजीशन 1 से x डिस्टेंस पे बनी थी। अब जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन 2 से, उसकी डिस्टेंस एक्स प्लस वी एम है, तो इमेज की भी पोजीशन 2 से डिस्टेंस एक्स प्लस वी एम है। ये हो गया, यानी 1 सेकेंड बाद इमेज कहां से कहां चली गई, ये आपको दिख रहा है आई से आई डैश चली गई। तो ये जो आई से आई डैश वाली डिस्टेंस होगी ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इमेज इन 1 सेकेंड। और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इमेज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पहले की पोजीशन क्या थी इमेज की आई, और 1 सेकेंड बाद की पोजीशन क्या है आई डैश, तो यही जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इमेज इन 1 सेकेंड है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इमेज इन 1 सेकेंड। अच्छा, एक चीज तो इस डायग्राम से क्लियर हो गई कि इमेज की स्पीड जो है वो मिरर के स्पीड के डायरेक्शन, मिरर की वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। देखिए मिरर आगे गया 1 से 2, डायग्राम में देखिए मिरर आगे की तरफ गया 1 से 2 ये, और इमेज भी आई से आई डैश चली गई तो आगे की तरफ इमेज मूव कर गई। तो यानी जिधर मिरर मूव कर रहा है इमेज की स्पीड उधर ही होगी। तो एक बात तो हमें याद कर लेनी चाहिए कि जब मिरर मोशन करता है तो जिस डायरेक्शन में मिरर ने मूवमेंट किया है इमेज की स्पीड भी उसी डायरेक्शन में होगी, इमेज की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही होगा। अब कितना होगा, तो ये डिस्टेंस जो है ये आपने, हम लोगों ने जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इमेज इन 1 सेकेंड, जितना डिस्टेंस इमेज 1 सेकेंड में ट्रेवल करेगी वही स्पीड हो जाएगी इसकी। तो बस यही डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, अभी सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम कि कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमें आई आई डैश निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारा क्या कॉन्सेप्ट होगा, हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी। हम कहेंगे डायग्राम से देखिए जो आई आई डैश है इसको हम लिख सकते हैं ओ आई डैश माइनस ओ आई, लिख सकते हैं ऐसे ओ आई डैश माइनस ओ आई। ओ आई डैश में से ओ आई घटा दें तो हमारी डायग्राम में देखिए आपको सब दिख रहा है, ओ आई डैश में से ओ आई घटा दें तो आई आई डैश आ जाए। अच्छा, ओ आई डैश कितना होगा, देखिए ओ आई डैश कितना होगा,
तो ओ आई डैश निकालने के लिए तरीका क्या होगा? ये डायग्राम से आप देख सकते हैं ओ आई डैश कितना है हमारा। एक बार आपको हम इसमें हाईलाइट करके दिखाते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस है, अगर हमें ओ आई डैश चाहिए तो देखिए ये डिस्टेंस पूरी है एक्स प्लस वी एम, और ये डिस्टेंस भी पूरी है एक्स प्लस वी एम। तो ओ से आई डैश तक की डिस्टेंस, ये वाली जो पूरी आपको ये दिख रही है ब्लू कलर की, ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस यही तो होगी ओ आई डैश। और ये देखिए एक्स प्लस वी एम और एक्स प्लस वी एम के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो ओ आई डैश डिस्टेंस है ये हो जाएगी 2 टाइम्स एक्स प्लस वी एम। ओ आई डैश डिस्टेंस हो जाएगी 2 टाइम्स एक्स प्लस वी एम, ये डायग्राम से आपको दिख रहा है। और ओ आई डिस्टेंस कितनी होगी ये डायग्राम से देखिए, ओ आई डिस्टेंस कितनी होगी तो इसको भी एक बार हाईलाइट करके दिखाते हैं। देखिए ये डिस्टेंस ओ आई वाली है ये, और ये डिस्टेंस आपको डायग्राम में दिख रही है कितनी है, तो पहले एक्स है और एक्स मिलाकर टोटल डिस्टेंस कितनी दिख रही है 2x। अब ग्रीन वाला कलर देखिए तो ओ आई जो है वो 2x के बराबर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो ओ आई है ये 2x के बराबर है। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 2vm आ जाएगा, यानी आई आई डैश की वैल्यू आ गई 2vm। और आई आई डैश क्या था, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इमेज इन 1 सेकेंड, और जो डिस्टेंस इमेज 1 सेकेंड में ट्रेवल करेगी उसी को हम इमेज स्पीड कहेंगे। यानी हम यहां से कह सकते हैं सो इमेज स्पीड इज 2vm, स्पीड इज 2vm। अच्छा डायरेक्शन इमेज की स्पीड का किधर है, तो आप देखिए आई से आई डैश इमेज गई, यानी जिधर मिरर ने मूवमेंट किया उसी डायरेक्शन में इमेज ने मूवमेंट किया है। तो अब आपको बार बार ये कैलकुलेट नहीं करना, अब आप सीधे याद कर लीजिए। अब इसको लिख देते हैं हम यहां पर, और आप इसे याद कर लीजिए कि इफ, इसको लिख देते हैं इफ मिरर मूव्स परपेंडिकुलरली टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलरली टू इट्स लेंथ विद स्पीड वी एम, देन आप सॉरी इमेज, देन इमेज मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब जिधर मिरर ने मूवमेंट किया उधर इमेज जाएगी, मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विथ डबल स्पीड, यानी जितनी मिरर की स्पीड थी उसके डबल स्पीड से इमेज चलेगी, और डबल स्पीड कितनी होगी 2 vm। ये आपको पर्टिकुलर कंडीशन याद कर लेनी है। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और मिरर मूव करता है तो जिस डायरेक्शन, और मिरर अपने लेंथ के परपेंडिकुलरली मूव करता है, तो जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करेगा इमेज उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, और डबल डिस्टेंस मूव मतलब डबल स्पीड से मूव करेगी। अगर इमेज ऑब्जेक्ट मिरर की स्पीड वीएम है तो इमेज की जो स्पीड होगी वो 2 vm होगी। तो इस तरह से ये वाला पूरा पार्ट हम लोग कर सकते हैं। अब इसी में केस 4 ले लेते हैं, केस 4, और केस 4 में मान लेते हैं कि इस बार केस 4 कि इमेज जो है वो मिरर के मतलब मिरर जो है वो अपनी लेंथ के पैरेलल मूव कर रहा है, मिरर इज मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ। तो ये मिरर है और इस बार मिरर की स्पीड इसके लेंथ के पैरेलल है, मिरर इज मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ। तो अगर मिरर अपने लेंथ के पैरेलल मूव कर रहा है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये वीएमएस स्पीड, और ये मिरर के परपेंडिकुलर लाइन हो गई, और आप कह रहे हैं इमेज की स्पीड बताइए। तो इसमें आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर यहां बना है तो इमेज हमेशा यही रहेगी, एकदम आसान सी बात है, सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट के सामने इमेज रहेगी। अब मिरर चूंकि पैरेलल डायरेक्शन में मूव करा तो मिरर ऊपर मूव करता जाएगा, लेकिन इस बार इमेज मूव नहीं करेगी क्योंकि इमेज को हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने रहना है। मिरर के ऊपर या नीचे मूव करने से, डायग्राम में देखिए मिरर के ऊपर या नीचे मूव करने से ऑब्जेक्ट की लोकेशन में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से, इसमें कोई चेंज नहीं आता। जो ऑब्जेक्ट की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसमें कोई चेंज नहीं आता, मिरर चाहे ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए। और जब ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस में चेंज नहीं आता तो इमेज की जो मिरर से डिस्टेंस है इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के लेंथ के ऑब्जेक्ट के सामने बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक तो ये बात आपको पूरी ध्यान रखनी है। तो इस तरह से इस केस में जब मिरर मूव करेगा अपनी लेंथ के पैरेलल,
तो इमेज में कोई मूवमेंट नहीं होगा, इमेज रेस्ट में रहेगी, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में ही रहेगा। तो यानी इस केस में हम कह सकते हैं इफ मिरर मूव्स, मिरर मूव्स पैरेलल टू इट्स लेंथ, पैरेलल टू इट्स लेंथ देन इमेज डज नॉट मूव, इमेज मूव नहीं करेगी। भाई तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मैं मिरर के मूवमेंट से इमेज कैसे मूव करेगी। अगर आपको लगता है कि मिरर ऊपर जा रहा है तो इमेज भी ऊपर चली जाएगी। तो आप सोचो कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग है और उसमें लिफ्ट लगी है जिसमें लिफ्ट में मिरर लगा है, और लिफ्ट अभी ग्राउंड फ्लोर पे, और आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो। इमेजिन करो इस चीज को, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो तो आपकी इमेज उस लिफ्ट के मिरर में दिख रही होगी। अब मान लो लिफ्ट में कोई बैठा और वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर ऊपर की तरफ चलता चला गया, तो क्या आपको दिखेगा? कि आपकी इमेज लगातार ऊपर चली गई, आप जमीन पे खड़े हो ग्राउंड पे और आपकी इमेज फिफ्थ फ्लोर पे पहुंच गई, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है ना? जब तक मिरर के, जब तक लिफ्ट के सामने आप रहोगे आपकी इमेज दिखेगी, बाद में इमेज दिखना बंद हो जाएगी, लेकिन जब तक इमेज दिखेगी आपको आपके सामने आपकी इमेज दिखेगी। तो यानी इमेज इस केस में मिरर मूव करेगा, लेकिन मिरर के मूवमेंट से इमेज में कोई मूवमेंट नहीं होगा। और इस तरह से इस वाला, ये वाला केस याद रखना है। तो अब हमारे सारे केस कंप्लीट हो गए। अच्छा, पांचवा केस ले लें मान लीजिए, या इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, पांचवा केस लेंगे कि इस बार मान लीजिए मिरर में दोनों कंपोनेंट्स हैं। तो अब एकदम आसान है, डायरेक्टली कर सकते हैं कि मिरर मान लीजिए पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों तरीके से मूव कर रहा है। ये मिरर है और इस बार मिरर में मान लीजिए पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों कंडीशंस में इसका मूवमेंट हो रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट रखा है और मिरर इस बार मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे। ये वीएम स्पीड है मिरर की और इसका एंगल इधर से अल्फा बन रहा है। तो अब इसमें दो दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे मिरर की स्पीड में। एक कंपोनेंट मिरर के वेलोसिटी में, एक कंपोनेंट आ जाएगा वीएम कॉस अल्फा और एक कंपोनेंट आ जाएगा वीएम साइन अल्फा। अब ऊपर हम लोगों ने देखा अभी कि Vm sin अल्फा वाला कंपोनेंट जो है मिरर के लेंथ के पैरेलल है, और जो कंपोनेंट मिरर के लेंथ के पैरेलल होगा इसका कोई असर इमेज पे नहीं पड़ता, तो ये कंपोनेंट हमारे लिए बेकार हो गया। और जो Vm cos अल्फा वाला कंपोनेंट है ये मिरर के लेंथ के परपेंडिकुलर है और इसकी वजह से इमेज की स्पीड पर असर पड़ेगा। और ये क्या असर पड़ेगा? तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, ये तो हम जानते ही हैं। अच्छा, असर क्या पड़ेगा इसका? तो असर ये पड़ेगा कि आप जानते हो जितनी स्पीड से मिरर मूव करता है उसकी डबल स्पीड से इमेज मूव करती है सेम डायरेक्शन में। तो अब अगर मिरर की स्पीड जो है वो वीएम कॉस अल्फा है, ये वाली स्पीड, तो ये इमेज, इमेज की स्पीड क्या हो जाएगी? 2vm cos अल्फा। तो इमेज की स्पीड जो होगी इधर वो हो जाएगी 2vm cos अल्फा, और vm sin अल्फा का इमेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये पांच केसेस में मिरर के सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। अब इनको कंबाइंड अगर देखना हो, कंबाइंड केस देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पर केस 6 ले लेते हैं, सारे केसेस को कंबाइन कर देते हैं। तो आराम से समझ लीजिए बिल्कुल, फिर हम लोग इसके एक आधे क्वेश्चन करते हैं और फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो मान लीजिए इस बार जैसे मिरर ऐसे है और ये मिरर पे इस तरह से ये मिरर है और इस बार सब कुछ मूव कर रहा, हर चीज जो भी हम लोगों ने केसेस पढ़े सब मूवमेंट हो रहा है। अब देखो इस बार मान लीजिए आपसे कहा गया कि ये ऑब्जेक्ट है यहां पर इस तरह से, ऑब्जेक्ट इस तरफ को मूव कर रहा वीओ स्पीड से थीटा एंगल पे, मिरर मान लीजिए इस तरफ को मूव कर रहा है वीएम स्पीड से अल्फा एंगल पर, और कह रहे हैं इमेज की स्पीड बताइए। सारे केसेस को हमने कंबाइन कर दिया, जो कुछ भी अभी तक पढ़ा था हमने सारे केसेस अलग अलग, अब सबको कंबाइन कर दिया गया। तो अब कह रहे हैं इमेज की स्पीड बताइए। अच्छा, ये तो पता ही हमें कि ऑब्जेक्ट अगर एक्स डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज भी इधर एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगी। अब हमें यहां इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट था, अब कह रहे हैं इमेज की स्पीड बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने जितने केसेस पढ़े हैं उसमें चाहे मिरर की वेलोसिटी हो चाहे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो, हम आंसर तभी बता सकते हैं इमेज के लिए जब वेलोसिटी या तो मिरर के पैरेलल हो या मिरर के परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, सबकी वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लेंगे मिरर के परपेंडिकुलर और मिरर के पैरेलल। तो रिजॉल्व कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट आएगा वीओ कॉस थीटा और वीओ साइन थीटा। वीओ कॉस थीटा मिरर के परपेंडिकुलर है, वीओ साइन थीटा मिरर के पैरेलल।
मिरर के कंपोनेंट्स आएंगे वीएम कॉस अल्फा और वीएम साइन अल्फा। ये अब जो जो हमने सीखा वो करते जाएंगे, सारे कंपो सारे इफेक्ट यहां लगा दें। तो देखिए हमने क्या सीखा कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इमेज की जो स्पीड होती है वो जो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का मिरर के परपेंडिकुलर होता है, ऑब्जेक्ट का जो कंपोनेंट मिरर के लेंथ के परपेंडिकुलर होता है वो कंपोनेंट, जैसे ये वाला कंपोनेंट ही, वो कंपोनेंट इमेज में एज इट इज आ जाता है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होती है, अभी सीखा हम लोगों ने। तो ये कंपोनेंट इमेज में एज इट इज आएगा ऐसे करके, लेकिन इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो अगर ये वीओ कॉस थीटा था तो ये भी कितना होगा, वीओ कॉस थीटा। फिर जो कंपोनेंट मिरर का सॉरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मिरर के पैरेलल होता है वो इमेज में एज इट इज आता है, और इस बार डायरेक्शन भी सेम रहती है। तो इस बार हम कहेंगे कि जो इमेज की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा, इसको थोड़ा उधर लिख देते हैं, वीओ कॉस थीटा को, ये वीओ कॉस थीटा को थोड़ा उधर लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब जो कंपोनेंट मिरर के पैरेलल होगा वेलोसिटी का, यानी वीओ साइन थीटा, ये इमेज में भी ऐसे ही आ जाएगा बिल्कुल। तो ये वीओ साइन थीटा, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट की वजह से सारी इंफॉर्मेशन। अब मिरर भी चल रहा है तो वो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी इसमें। तो वो क्या होगा कि जैसे मिरर में जो कंपोनेंट मिरर की लेंथ के पैरेलल है, इस कंपोनेंट का कोई असर नहीं पड़ेगा इमेज पर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये बेकार हो गया। और जो कंपोनेंट मिरर की लेंथ के पैरेलल है, यानी ये वाला कंपोनेंट, जो कंपोनेंट मिरर की लेंथ के पैरेलल है यानी ये वाला कंपोनेंट, वो इमेज में डबल होकर आ जाएगा सेम डायरेक्शन में, जिधर मिरर जा रहा है उसकी उधरी इमेज चलेगी और डबल स्पीड से चलेगी। तो इसका जो इफेक्ट आएगा इमेज में वो ये आएगा कि इमेज इस तरफ डबल स्पीड से चलेगी, 2vm cos अल्फा। अब इमेज की नेट स्पीड आप निकाल सकते हो, जब आपको वैल्यू दी होगी तो ये पता हो जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो अब अगर इसको डायग्राम को हम ऐसे दिखाएं तो अब हम मान लीजिए किसी एक को बड़ा एक को छोटा मान लेते हैं। अब कौन बड़ा है मतलब, अब 2vm cos अल्फा और vo cos थीटा दोनों अपोजिट हैं, तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। अब यहां तो वैल्यू दी नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा बड़ा छोटा कौन है। तो मान लो हम 2vm cos अल्फा को बड़ा मान लेते हैं, तो इधर ये कंपोनेंट जो इमेज की स्पीड का आएगा वो हो जाएगा 2vm cos अल्फा माइनस vo cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा। और ये वाला तो vo sin थीटा था, वही रहेगा ऐसे। तो अब ये इमेज की नेट स्पीड को हम अगर लिखें, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम इमेज की स्पीड को लिखें vi, तो वो हम लिख सकते हैं 2vm cos अल्फा माइनस vo cos थीटा। अभी चूंकि जनरल कर रहे हैं इसलिए लंबा सा लग रहा है, जब वैल्यूज दी होंगी तो एकदम आसान आएगा। अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो एकदम आसानी से हो जाए। प्लस वीओ साइन थीटा जे का, ये इमेज की स्पीड आ गई। अच्छा, ये इमेज की कौन सी स्पीड आई, इस पे भी विशेष ध्यान देना है, ये इमेज की कौन सी स्पीड है। तो ये समझ लीजिए, ये जो इमेज की स्पीड आई है ये इमेज की रियल स्पीड है, दिस इज द रियल वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये जो सॉल्व होकर आई है ये इमेज की रियल वेलोसिटी है, इसको ध्यान रखना है। रियल का मतलब क्या हुआ कि अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई, इसको लिख देते हैं पहले हम, दिस इज रियल वेलोसिटी ऑफ इमेज। मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, आप जानते हो, मॉड ले लोगे इसका तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए वी आई, तो मॉड ले लेंगे और वो अंडर रूट जो आई का कोफिशिएंट है, 2vm cos अल्फा माइनस vo cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस vo sin थीटा का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड डायरेक्टली निकल आएगा इस तरीके से। और ये रियल वेलोसिटी ऑफ इमेज, रियल वेलोसिटी किसको दिखेगी ये भी लिख देते हैं। तो ये किसको दिखेगी ये रियल वेलोसिटी, तो एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। एक ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और वो अगर इमेज को देखे तो उसको इमेज की स्पीड ये दिखाई देगी वी आई, ये वो वाली स्पीड है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की स्पीड तो हमें पता ही है, वीओ कॉस थीटा आई कैप प्लस वीओ साइन थीटा जे कैप लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम लोग उसी तरह से लिख लेते हैं, वीओ कॉस थीटा आई कैप प्लस वीओ साइन थीटा जे कैप, ये लिख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट अपनी ही इमेज को देखे तो उसे स्पीड क्या दिखाई देगी, तो इसको हाईलाइट करके लिखते हैं। देखिए, इफ ऑब्जेक्ट सीज हिज ओन इमेज, अगर वो अपनी ही इमेज को देखता है
अपनी इमेज को देखता है, देन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो देखता है रिलेटिव मोशन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में मोशन लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये कौन सी स्पीड होगी? जब ऑब्जेक्ट खुद देखेगा अपनी स्पीड को, अपनी इमेज की स्पीड, तो ये होता है वी आई माइनस वी ओ। अब यहां हम करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें इमेज की स्पीड भी पता है, ऊपर देखिए ये वाली, ये इमेज की स्पीड भी पता है इक्वेशन वन से, और ऑब्जेक्ट की स्पीड भी पता है इक्वेशन टू से। अब इमेज की स्पीड में से ऑब्जेक्ट की स्पीड को माइनस करेंगे, आई में से आई, जे में से जे, चलिए माइनस करके लिख ही देते हैं। तो देखिए इमेज की स्पीड है 2vm cos अल्फा माइनस वी ओ cos थीटा आई कैप, तो आई कैप में से आई कैप वाला पार्ट माइनस करेंगे तो ये आएगा 2vm cos अल्फा माइनस 2vo cos थीटा आई कैप, और प्लस वीओ साइन थीटा वाला पार्ट जो है ये कॉमन है दोनों में, देखिए इसमें भी वीओ साइन थीटा है, इस वाले में यहां भी वीओ साइन थीटा है जे कैप में, और यहां भी ऑब्जेक्ट में जे कैप में वीओ साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस जीरो जे कैप, ये जीरो आएगा, यानी स्पीड आ जाएगी 2vm cos अल्फा माइनस 2vo cos थीटा आई कैप, ये स्पीड आ जाएगी, वाई कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। ये कौन सी स्पीड आएगी इसको भी याद करिएगा, ये जब ऑब्जेक्ट खुद अपने इमेज को देखेगा, जब ऑब्जेक्ट खुद अपनी इमेज को देखेगा तो जो उसको स्पीड दिखाई दे देखेगा तो जो उसको स्पीड दिखाई देगी वो, तो जो वेलोसिटी उसको दिखेगी दिखेगी वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, क्या रिवाइज करना है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर है तो इमेज की वेलोसिटी भी मिरर के परपेंडिकुलर होगी और सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के पैरेलल है तो इमेज की वेलोसिटी भी मिरर के पैरेलल होगी, सेम भी होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। अगर मिरर चल रहा है तो मिरर का जो कंपोनेंट मिरर के लेंथ के पैरेलल है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमेज वेलोसिटी पर, यह बेकार हो जाएगा, और मिरर का जो कंपोनेंट मिरर की लेंथ के परपेंडिकुलर होगा इमेज में वो कंपोनेंट डबल होकर आ जाएगा और सेम डायरेक्शन में आएगा, बस इतना याद रखना आपको। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए कोई भी इसमें अब जो हम लोगों ने पढ़ा वो पूरा, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा सीधा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको देते हैं कि ये एक मिरर है और मिरर के सामने ये एक इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई मिरर के सामने, और आपसे उन्होंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, और आपसे उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है किसी स्पीड से, कोई स्पीड ले लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी ले लेते हैं, मान लीजिए 8√2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री के एंगल पे, ये, और मिरर मूव कर रहा है मान लीजिए इसी तरफ को 4 मीटर, या उल्टा ले लेते हैं इस बार मिरर का डायरेक्शन, इस तरफ, चलिए इस तरफ ले लेते हैं, मिरर की स्पीड आपको दी हुई है वीएम 4 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहे हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय, फर्स्ट पार्ट है, एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, और सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, दो पार्ट हैं, आपको इमेज की वेलोसिटी निकालनी है लेकिन दो केसेस में निकालनी, एक जो जमीन पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को दिखेगी वो बताइए, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट को खुद दिखेगी वो बताइए। अब ये बात हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही कि जमीन पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को जो स्पीड दिखेगी ग्राउंड वाले को वो रियल वेलोसिटी, यानी फर्स्ट पार्ट आपको हिंट कर रहा है कि आपको रियल वेलोसिटी निकालनी इमेज की, और ऑब्जेक्ट को जो स्पीड दिखेगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट।
तो सेकेंड पार्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट पार्ट में इमेज की रियल वेलोसिटी निकालनी है। अब एकदम आसान है, देखिए कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट से मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, तो इमेज यहां कहीं आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक करके करते हैं। तो पहला स्टेप हम लोगों का क्या होता था कि हम ऑब्जेक्ट और इमेज की, ऑब्जेक्ट और मिरर की स्पीड को लेंथ के पैरेलल और लेंथ के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व किया, इसका ये कॉम्पोनेंट आएगा 8√2 cos 45। cos 45 1/√2 होता है, तो ये आ जाएगा 8, और ये 8√2 sin 45, तो ये भी 8 आ जाएगा। तो यानी ये 8 आ गया, ये 8 आ गया। अच्छा, मिरर की वेलोसिटी ऑलरेडी मिरर के परपेंडिकुलर है, ये दिख ही रहा है डायग्राम में। अब देखो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी, ये हम लोगों ने सीखा कि ऑब्जेक्ट का जो कंपोनेंट मिरर के परपेंडिकुलर होता है वो इमेज में एज इट इज आता है लेकिन उल्टा होकर आता है। तो ये जो कंपोनेंट है ये मिरर इमेज में एज इट इज आएगा लेकिन उल्टा होकर आएगा। तो अब हम कहेंगे इमेज में ये कंपोनेंट ऐसे ही आ जाएगा लेकिन उल्टा आएगा, तो इमेज का ये कंपोनेंट भी 8 हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट का जो कंपोनेंट मिरर के पैरेलल होता है ये वाला, ये इमेज के ये वाला जो कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट का जो कंपोनेंट इमेज के पैरेलल होता है, मिरर के पैरेलल होता है ये वाला, ये कंपोनेंट भी इमेज में एज इट इज आ जाएगा लेकिन, और इसमें डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी, तो ये डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी और एज इट इज आ जाएगा 8। ये आ गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मिरर का जो, मिरर में जो वेलोसिटी होती है मिरर के परपेंडिकुलर, वो इमेज में सेम डायरेक्शन में आती है लेकिन डबल होकर आती है। तो मिरर की वेलोसिटी 4 m/s है, तो इमेज में सेम डायरेक्शन में आएगी लेकिन डबल होकर आएगी। तो इमेज में ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ गई ऐसे और डबल होकर आई, तो 8 हो गई। तो अब इनका रिजल्ट निकाल लीजिए। तो अब देखिए इमेज की वेलोसिटी का अगर हम इधर डायग्राम बनाए तो इधर की तरफ 8 है, ये इमेज हो गई, इधर की तरफ 8 है और ऊपर की तरफ, इसको अलग से लिख देते हैं इमेज को। तो इमेज की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट, ये अलग हटा देते हैं। तो अब इमेज की वेलोसिटी में दो कंपोनेंट ये हो गए और एक और कंपोनेंट जो इमेज में आएगा वो ऊपर की तरफ 8 है, ये इस तरह से, ये इमेज है। अब आपको मालूम है रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये कंपोनेंट अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट वेलोसिटी इमेज की क्या बचेगी, 8। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे रियल वेलोसिटी पूछी गई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर होगा वो जो देखेगा वो रियल स्पीड देखेगा, यानी इसमें कुछ नहीं करना, सीधे जो रिजल्टेंट आएगा वही आंसर लिखना। तो वो कितना आएगा, 8 m/s। अच्छा, डायरेक्शन के साथ लिखना हो इसको वेक्टर फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे इमेज की स्पीड आएगी 8j, ऊपर की तरफ आ रही है तो जे कैप, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में पूछना है ऑब्जेक्ट को अपनी स्पीड क्या दिखाई देगी, सेकेंड पार्ट में मतलब ऑब्जेक्ट खुद अपनी इमेज को देखे तो उसे कोई क्या स्पीड दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए मिरर के सामने कोई लड़का दौड़ रहा है तो उस लड़के को अपनी इमेज की स्पीड क्या दिखाई देगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, इसका फॉर्मूला बताया आपको हमने कि इमेज की वेलोसिटी में से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे वेक्टर फॉर्म में। तो माइनस करते हैं, इमेज की वेलोसिटी हम लोग की आई है 8j कैप, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको दी है क्वेश्चन में, इसे आईजे फॉर्म में लिखे हैं। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 8 है, वाई कंपोनेंट भी 8 है, तो 8i+8j हो जाए। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम लोग यहाँ लिख देते हैं 8i+8j। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8j से 8j कैंसिल हो जाएगा, तो इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये क्या आंसर आ रहा है, -8i। यानी इसको अगर वैसे लिखें मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आएगी 8 m/s, और -i ये बता रहा है कि डायरेक्शन इस तरफ को दिखाई देगी, यानी ऑब्जेक्ट अपनी इमेज को देखेगा तो उसको इमेज 8 m/s से मूव करती हुई दिखाई देगी और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इमेज ऑब्जेक्ट स्पीड का कर सकते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में भी शॉर्ट एग्जांपल में दिए हुए हैं क्वेश्चन इस तरह के, तो इनको प्रॉपरली समझ लीजिए, ये किसी ना किसी साल नीट में पक्का आना है। तो एक होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, उसको कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया और इसमें आपसे कहा गया, उसी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, अब इसमें आपसे कहा गया ये मिरर है और इस बार ये मिरर के परपेंडिकुलर लाइन हो गई इस तरह से, और यहां आपसे बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से है, और मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं 10 m/s से,
60 डिग्री के एंगल पे, और जो मिरर है वो इधर जा रहा है, और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये भी 60 डिग्री यानी इधर से 30 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। और अब आपसे कह रहे हैं दोनों पार्ट वही, ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन है और आपसे क्या निकालना है, आपको फाइंड इमेज वेलोसिटी। दो पार्ट में है, एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर फर्स्ट पार्ट है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर है, और सेकंड पार्ट है इसको करेक्शन कर देते हैं थोड़ा सा, फाइंड द इमेज वेलोसिटी एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इटसेल्फ। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको करिएगा। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये नीट के ऊपर, इसके नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आना जरूर है, तो प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू।